हेलो, गुड मॉर्निंग रुद्रप्रयाग। आज जाएंगे धारी देवी की ओर। उनको तो इतना ठंडा होता है नॉर्मल है, ये चीज तो है यार। और वो कहाँ है भाई? ठीक सामने रहता था वहाँ, मेरे ठीक सामने वाले फ्लोर में। एक दिन उन्हीं को पता होता है, जब हम से जाएंगे ना तो गया था कल तो भाई, वो राहुल गांधी वाला राहुल, तू जानता है तू गेट खोलने जा रहा है कार्यालय? नहीं तो शहरी शहरी हो गई भाई यहाँ। अरे क्या बोल, टिहरी के रास्ते चलना है क्या भाई? क्योंकि तेरा वो वाला जाम कट जाएगा फिर। हाँ थोड़ा सा लंबा तो है, वाटर स्पोर्ट्स हो जाएगा, लेकिन तेरे जो बच्चे रो रहे घर में, तेरे जो बच्चे रो रहे घर में। लेकर आना अच्छा, टायर पंचर हो गया अभी और हम लोग आए हुए गुलाब राय में टायर अल्लाह की टाउन। लोग निकल गए रुद्रप्रयाग से, अब हम लोग जा रहे हैं धारी देवी श्रीनगर। पहुँचते थोड़ी देर में मैं ललित पीछे रह गए थे, क्योंकि गाड़ी हमारी पंचर थी तो पंचर होने में थोड़ा समय लग गया। बाकी लोग आगे निकल चुके हैं तो वहीं मिलते हैं अभी श्रीनगर में सबसे। और ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है कुछ आगे का, फैब्रिकेशन ब्रिज बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा। ये देखिए उस पर काम चल रहा है, ये धारी देवी से थोड़ा ही ऊपर है, श्रीनगर से थोड़ा सा ही ऊपर है। तो पहुंचने वाले हम लोग थोड़ी देर में धारी देवी, थोड़ा ही दूर रह गया, बाकी के सारे लोग हमारे पहुंच चुके हैं। कितना? ढाई किलोमीटर दूर रह गया बस यहाँ से, तो ये 2.5 किलोमीटर ऊपर है इससे। देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, अच्छा यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है नदी का। ये देखिए ये वो है हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा कोई। ये देखिए ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो नमामि गंगे के अंतर्गत चल रहे हैं। तो पहुँच गए हम लोग माँ धारी देवी के पीछे आगे, और प्रसाद लेने का प्रोसेस चल रहा है। धन्यवाद साहब जी, एक थोड़ा वो करना था सुंदर है रास्ते, खींच लेंगे आपके हाथ से फिर डिपॉजिट कर दिया है। बचा के रखना थोड़ा, बंदर अंदर है नीचे। नीचे जा रहा है, यहीं पे रह रहा है? नहीं नीचे चलता हूँ मैं भी, नीचे अंदर। हाँ दर्शन करके आओ साहब। पहुँच गए हम लोग नीचे मंदिर के पास जा रहे हैं भाई, एकदम आप सुनेंगे यहाँ पे घंटियों की आवाज की बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए सामने, अंदर से बचा के रखना अपने पुड़िया उड़िया, नीचे जाने का इधर से, इधर से आओ, इधर से अब ये बताएंगे। यहाँ 16 में आया था मैं, तो उस समय यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था और कुछ भी ऐसा बताने। तो देखिए ये वाद्य यंत्र, और यहाँ पे देखिए हमारे साधु संत बैठे हैं, के बाबा जी बैठे हैं यहाँ पे, शॉप्स वगैरह हैं एकदम से, हमारे गर्जिया देवी हैं, उस वैसी फीलिंग आ रही मुझे। बोल बोल बोल
आ रहे पीछे से। तो यहाँ पे जूते चप्पल इकट्ठे थे, बाद में लेते हैं। देखिए हाय फ्रेंड्स, आइए। तो यह है माँ धारदेवी जाने का रास्ता। बहुत सुंदर सा, और ये केबल ब्रिज देखोगे आप, ये बहुत पुराना है। और ये है माँ धारी देवी। ये देखिए, माधारी देवी, ये देखिए। तो काफ़ी रहस्यमय मंदिर है माधारी देवी का। यहाँ पे जो माता जी की जो स्थापित हैं, माता जी, माता की जो मूर्ति रखी हुई है, वो दिन में 3 बार अपना जो रूप है उसको बदलती हैं। सुबह वो आपको एक कन्या के समान दिखेंगी, दोपहर होते होते आपको वो एक युवती के समान दिखेंगी, और शाम होते होते वो आपको एक बूढ़ी औरत के समान दिखेंगी। तो ये काफ़ी एक रहस्यमय मंदिर है, जिसको जान के सभी मतलब हैरान है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये एक शक्ति है माता की, और जो हमारे 4 धाम है उत्तराखंड के, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन जो हमारी धारी देवी माता हैं, उनको वहाँ की जो है रक्षा कहा जाता है। जो हमारे 4 धाम हैं उनकी जो रक्षा करती हैं वो हमारी धारी देवी माता करती हैं। तो ये है हमारी धारी माता, तो ये देखिए। और एक फैक्ट है इसमें कि आपको याद होगा 2013 में खुद आई थी, जो कि हमारे बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी मंदिर में आई थी, जो कि बहुत ही एक खतरनाक, मतलब जिसे बोलते हैं आपदा होना, एक बहुत ही डेंजरस डिजास्टर, तो वो हुआ था। तो उसका बताते हैं लोग, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं तो बताते हैं कि जब माँ धारी देवी को यहाँ से स्थानांतरित किया गया था, यानी कि इनकी जब जो माँ धारी देवी को यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट किया था, तो उसके कारण ऐसा हुआ था। तो एक ये चीज़ था कि मंदिर हमेशा से यहीं पे था, तो जो पानी है वो कभी भी मतलब माता के मंदिर तक नहीं आता था। आप बरसात में मतलब कुछ भी हो जाए, वो माता के मंदिर तक मतलब वो नहीं आता था। ये हालांकि आप देखोगे कि पूरा ये जो मंदिर है वो पूरा नदियों के बीच में डूबा हुआ है, देखिए पूरा एकदम देखिए। लेकिन बताया जाता है कि मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो माता के मतलब मंदिर तक जाने मतलब उसका प्रभाव पड़े। तो ये माता की एक शक्ति है, और ये देवों की भूमि है उत्तराखंड। तो यहाँ पे तो आपको हर मोड़ पे कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे। ऐसी देवीय शक्तियाँ हैं यहाँ पे कि मतलब जिसको मैं आपसे मतलब बता नहीं सकता आपको। तो ये हैं हमारी माँ धारी देवी। तो मैं यहाँ पे आया था 7 साल पहले, तो उस टाइम पे हम लोगों ने दर्शन किए थे माता के। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। कभी एक समय रहा होगा जब ये केबल ब्रिज वगैरह नहीं रहा होगा, तो सामान का आदान प्रदान और जो मतलब लोग आर पार करते थे, जो इसको नदी को कैसे करते थे, तो आपको एक वो दिख रहा होगा, देखिए सामने वो देखिए। तो एक उससे लोग सामान देखिए ले जाते थे, ट्रॉली उसमें लगी होती है, तो पूरा केबल प्रोसेस है जो कि आपको नदी आर पार कराने के लिए सहायता प्रदान करता था। ये तो इससे जो स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी आसानी होती थी सामान इधर से उधर पहुंचाने में, और ख़ुद भी इधर उधर पार करने में। गार्गी आ रही है सामने अपनी मम्मी के साथ, ये देखिए हमारी पुत्री है गार्गी जी, और केबल ब्रिज का पूरा मज़ा ले रही है गार्गी अभी। ये देखिए पूरा केबल ब्रिज है, बहुत सालों पुराना है ये। गार्गी के माता जी सेल्फी लेते हैं, ये है लगे हम खींचते हैं आपकी फ़ोटो, 3 हो गई। आइए, तो हमारे भाई बंधु खड़े हैं उस तरफ दीवार के। नरेंद्र भाई साहब दिख गए हमें, एक मिनट भैया। हाँ तो थोड़ा सा फोटो शूट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं।
कुछ खाने पीने, क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं हमने, और ये रास्ते में ही है। तो ये हमारी माता धारी देवी, अद्भुत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। चाय पकौड़े चलने हैं भाई, चाय लगे थे दो यार भाई, बहुत देखो बात हो रही है भाई, बात हो रही है यार, विरोधी इससे ज्यादा। अच्छा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया क्या? लोग बैठ गए इतना, ये इतना बस वो पैक करके रखे हैं उन्होंने। क्या हमारा जो लेके इतना वाला वो वाला बाल्टी सारा वाले रख दे ना, वो वहां तो जाएगा फिर ये दुकानों में, फिर जाएगा दुकानों में, फिर जाएगा फिर वापस आएगा वो। अरे ये ऐसे करके मैं तो बुरा बोल रहा हूं, फिर करता लेगा अंदर का नहीं कहा गया, फिर वो फूल लेके आ रहा है ऐसे नारियल वगैरह लेके आया है। मैं बोल जाऊंगा एक उनके लिए, एक उनके लिए कर दो, वो घर को जा रहे थे कौन है मेरी कर दो, चलो दीदी हाथ में पौड़ी पकड़ा रही है, चलो भाई आधे रुपये जिंदगी परिसर से बाहर निकल गया। हम लोग कर रहे हैं प्रस्थान, चल रहा भोजन पानी अभी खाना वाला लग गया, और हमारी जो दूसरी पार्टी है शैलेश भाई लोग वो आगे निकल गए थोड़ा, और हम लोग फिर इसके बाद अलग अलग हो जाएंगे। हम लोग मैं ललित माथे हम लोगों की फैमिली निकल जाएगी डिग्री के लिए, और रॉकी और नरेंद्र निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। तो बस ये यार ट्रिप का आखिरी गेट टुगेदर है यहाँ पर, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते, और फिर मिलेंगे दिल्ली में जाके, और उसके बाद होगा अगला ट्रिप प्लान। हाँ रात को भी आने लगा। रात में ना एक में इतनी में, एक में मिर्ची इतनी हो रही है, एक में कुछ भी नहीं हो रहा, मिर्ची ना पकड़ लिया मामला, इनको जलन हो रही है, हम कैसे खा रहे हैं बिल्कुल अच्छे लगते चलो बाय बाय। कहाँ आ रू चलो भाई भोजन पानी खत्म, अब निकलने की तैयारी। था यार होटल कुछ बहुत बढ़िया बेहतरीन था, एकदम बढ़िया गर्मा गर्म खाने के साथ सुख शांति, और वाकई में सुख शांति जैसा ही है भाई, एकदम बहुत बढ़िया था यार ये होटल। ये गाड़ी जाएगी हमारी दिल्ली, और ये गाड़ी जाएगी हमारी मसूरी। ओके भाई से विदाई, अब मिलेंगे दिल्ली में, दिल्ली में चलते हैं फिर, एक मुझे नीचे हो गई मेरी। चलो बाय 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 बाय। ऐसा अटक गए अभी थोड़ा सा हम लोग फेरी में, यहाँ पे रोड का कुछ काम चल रहा है, तो जाम में फंसे हैं हम लोग, वो देखिए।
रजनी को खिलाओ। अरे ये तो है बोट वाले यार, बोट हाउस। नहीं ये नहीं अंदर है यार। इको हट इधर है, जब इको हट गया जाए, इको हट तो जाए मेरे ख्याल से। पर्ची कट रही है इधर की तरफ, कोई एक है पर्ची कट रही है। पार्किंग भी इधर होती है। गाइस ये है टिहरी, यहाँ पे चल रहा है वाटर स्पोर्ट्स वगैरह नीचे। और जो बोट हाउस वगैरह है वो यहाँ बताया जा रहा है कि 18 किलोमीटर दूर है, रास्ते में ही है चंबा जाते समय। जाने में एक्चुअली हमारे पास थोड़ा टाइम नहीं है ज़्यादा, पूछ ले रहे हैं यहाँ पे मैं आपको दिक्कत ना मार्केट नहीं आएगा वहाँ पे जा रहा हूँ मार्केट। होटल
घंटे गरम चलो भाई जी घंटे जाओगे और को जा रहे क्या ओ ले ऐसे ही पीछे छिपा आधा फोन कर दो भाई जी।